तत्याज शस्त्रम विममर्श शास्त्रम श्रमम सिषेवे नियमम विषेहे वशीव किंचित विषयम न भेजे बुद्धः प्रबुद्धः ननु जाते एवम्। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दर्शकों को समर्पित है अभिवादनम अभिनंदनम और सस्वागतम सुप्रभातम। मैं हूं आप सभी के साथ ज्ञान विज्ञान की रश्मियों से सजे सुप्रभात की वेला में खिले सुप्रभातम के एक और अंक के साथ नारायण दत्त मिश्र। बुद्धा प्रबुद्धा ननु जात एवं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सुप्रभातम में क्या कुछ प्रस्तुति विशेष लेकर आए हैं हम, यह जानने के लिए जुड़े रहिए अगले आधे घंटे के लिए आप मेरे साथ डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका शुभारंभ करते हैं हम तिथि वार और नक्षत्र के बारे में बताने वाले प्रभाग आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126 विक्रमी संवत 2081 शक संवत 1946 उत्तरायण वैशाख मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि बृहस्पतिवार विशाखा नक्षत्र आज का दिन मंगलमय हो। एक वर्णम यथा दुग्धम भिन्न वर्णासु धीरुषु तथैव धर्म वैचित्र्यम तत्वमेकं परम स्मितम्। जब जब बात होती है धर्मों की संप्रदायों की मतों व मान्यताओं की तब तब धर्म की सनातन परिभाषा दशकम धर्म लक्षणम को हम याद रख अपने अगले जो भी कार्य हैं वो करें तो निसंदेह संपूर्ण संसार में मानव जाति बल्कि प्राणी मात्र सुख शांति समृद्धि और उत्कृष्टता के नए आयामों को छू सकेगी और उसके साथ ही बुद्ध के संसार के प्रबुद्ध वर्ग के विचारों से अधिक और सच्चे अर्थों में हम प्रबोधित हो धर्माचरण करते हुए सन्मार्ग के पथिक बन सकेंगे। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः। मनुष्य का शरीर व धन वैभव भी शाश्वत नहीं, पर मृत्यु तो सदैव हमारे सम्मुख ही रहती है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम मानव धर्म का परिपालन करते हुए जीवन यापन करें। Human body, wealth and splendor are never eternal, but death is ever present before us. Hence, it is our duty to live life in accordance with human values. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। जैसा कि आपने पंचांग में देखा कि आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है और आज के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन विशेष है क्योंकि यह भगवान बुद्ध के जन्म ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण के लिए प्रसिद्ध है। आइए जान लेते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा समाज को दिए गए संदेश और इस विशेष दिवस की महत्ता के विषय में हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट में। संपूर्ण विश्व में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन से पूरे मानव समाज को एक नई राह दिखाई। उन्हीं में से एक महान विभूति हैं गौतम बुद्ध। आज का दिन महात्मा बुद्ध के जन्म ज्ञानोदय और निर्वाण का प्रतीक है और पूरे देश के साथ साथ श्रीलंका इंडोनेशिया मलेशिया आदि देशों में बौद्ध समुदाय द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष महत्व रखता है और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा प्रतिवर्ष वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ये राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का स्मरण कराता है जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए और बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म के चार महान सत्यों को लोक में प्रसारित किया। उन चार महान सत्यों में पहला है दुनिया शोक से भरी है, दूसरा इच्छा ही समस्त दुख का मूल कारण है, तीसरा इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है और चौथा है इच्छा पर विजय पाने के द्वारा दुख पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।
बुद्ध पूर्णिमा सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया की बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करने का समय है। लोग इस अवसर का उपयोग अपने और दूसरों के प्रति दयालुता का अभ्यास करने के लिए करते हैं। वे दयालुता के छोटे छोटे कार्य करने का प्रयास करते हैं, जैसे किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराना, स्वेच्छा से काम करना, या बस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपस्थित होना जिसे उनकी आवश्यकता है। बौद्ध जन शुद्धि और आत्म अनुशासन के रूप में बुद्ध पूर्णिमा पर उपवास रखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा भारत में बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। पूरे देश से बौद्ध लोग बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों जैसे बोधगया, लुम्बिनी और सारनाथ की यात्रा करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन और मनन करते हैं। भक्तजन प्रार्थना करने और भिक्षुओं को भिक्षा देने के लिए मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। वे विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे ध्यान करना और बौद्ध भिक्षुओं का उपदेश सुनना। मंदिर परिसरों में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध उद्यानों में बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना में लीन रहते हैं। यह पर्व सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और आधुनिक समय में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की सार्वभौमिकता को उजागर करता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की शिक्षाओं और आधुनिक सार्वभौमिकता को उजागर करता है। ज्ञान, एकाग्रता और अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है, और यह त्योहार इन शिक्षाओं और उन्हें हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है इस पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की 2586 बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर भारतवर्ष के सभी भारतवासियों को मेरी शुभकामनाएं। तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद अहिंसा, करुणा, प्रेम, मैत्री आदि उपदेशों को प्राणी मात्र के हित के लिए संबोधित किया था। इसे आत्मसात कर भारतवर्ष और एशिया खंड के कई सारे राष्ट्रों ने संपन्न और विकसित हुए हैं। इसी तरह भारतवर्ष के सभी भारतवासी तथागत गौतम बुद्ध के इस अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाए, ये मेरी कामना है। भगवान बुद्ध ने व्यावहारिक नैतिकता की संहिता और सामाजिक समानता के सिद्धांत की शिक्षा समाज में फैलाई। उन्होंने सिखाया कि हर कोई समान है और किसी के भी साथ उनकी जाति, लिंग या किसी अन्य कारक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षाओं ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा दिया। निश्चय ही बुद्ध की शिक्षाएं आत्मविकास, नैतिक आचरण, सामाजिक समानता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का भाव सिखाती रहेगी। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात स्वास्थ्य की। बच्चे हो या बड़े, सभी को बाजार से बर्गर या नूडल्स खाना खासा पसंद आता है, तो कुछ लोग वजन कम करने के लिए या सेहत बनाने के लिए कच्ची सब्जियां और सलाद खाते हैं। पर क्या आपको पता है कि इनमें मौजूद कच्ची पत्तेदार सब्जियां समस्या का कारण बन सकती हैं? जी हाँ, क्योंकि अक्सर इनकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता। पत्ता गोभी और धनिया जैसी सब्जियां ठीक से न धुली हों तो इनमें मौजूद वर्म शरीर में जाकर संक्रमण का कारण बनते हैं और समस्या उत्पन्न करते हैं। देखिए आज के स्वास्थ्य मंत्र में हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की यह विशेष रिपोर्ट। न्यूरोसिस्टिसरकोसिस मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र में संक्रमण से जुड़ी एक गंभीर अवस्था है जो शरीर में टीनिया सोलियम नाम के परजीवी या उसके अंडे के प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होती है। ये परजीवी मिट्टी में पैदा होते हैं। जब मिट्टी में उगने वाली सब्जियों का सेवन हम करते हैं तो ऐसे में इन परजीवी और उनके अंडों को निगलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब्जियों के पत्तों और सतह पर रह सकते हैं। एक बार शरीर में ये कीड़े या उसके अंडे पहुंच जाएं, तो रक्त के साथ दिमाग में पहुंच जाते हैं। जब व्यक्ति टेपवर्म के अंडे निगलता है तो ये न्यूरोसिस्टिसरकोसिस संक्रमण का कारण बनता है। ये अंडे मांसपेशियों और मस्तिष्क के टिश्यू में चले जाते हैं, यहाँ पर सिस्ट का निर्माण करते हैं। जब ये अंडे मस्तिष्क में सिस्ट बना देते हैं तो इनसे न्यूरोसिस्टिसरकोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये एक संक्रमण होता है जो पोर्क टेपवर्म टीनिया सोलियम कहा जाता है,
वो कंटामिनेटेड जो फूड होता है, जो हमारे फल सब्जी है वो कंटामिनेट होके आता है, या कोई सुअर का मीट अच्छी तरह पूरे तरह से पका के कच्चा पका खाया जाए तो उससे संक्रमण होता है। तो उसके अंदर या तो कोई बच्चे को कोई भी लक्षण नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर होते हैं तो मोस्ट कॉमन होते हैं दौरा मेल की, और दूसरा होता है कि अभी सिर में दर्द होना, दिमाग में प्रेशर होना। अगर वो जो कीड़ा है वो दिमाग के अलावा आँख में हो तो उसके अंदर आँख में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, और बाकी जगह पे अगर मांसपेशी में हो रहा है तो कुछ लम्स वगैरह भी मिल सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये 1 साल से बड़े बच्चों में 40% बच्चों में मिर्गी का कारण है, और जो कि प्रिवेंटेबल है। ऐसा होने पर कई तरह के लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, जिसमें दौरे पड़ना एक मुख्य लक्षण है। बच्चों में मिर्गी रोग एक ऐसी समस्या है जिसके कई कारण हो सकते हैं। 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में उत्पन्न नए दौरे का कारण न्यूरोसिस्टिसरकोसिस हो सकता है। मस्तिष्क में कीड़े यानी न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, खेतों में शौच करने से फल और सब्जियां संक्रमित हो जाते हैं। सब्जियां और फल अच्छी तरह धोकर न खाए जाएं तो ये परजीवी शरीर में प्रवेश कर जाता है। कीड़े के अलावा आंत से निकलकर मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और लक्षण उत्पन्न करते हैं। पत्तेदार सब्जियों में पाए जाने वाले टेपवर्म इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखा नहीं जा सकता। इस बात को लेकर काफी लोग असमंजस में रहते हैं कि अगर किसी के दिमाग में कीड़ा हो जाए तो कैसे पता चलेगा, या उसके विकास के साथ किस तरह से लक्षण उत्पन्न होंगे। ऐसे कोई भी लक्षण होने पर विशेषज्ञ को दिखाना और सही इलाज करवाना जरूरी है। मोस्टली सीटी या सीटी के बाद एमआरआई से हमें पता चल जाता है कि जो स्प्रेड होता है ये जो फीको ओरल रूट से होता है, शौच के थ्रू आता है या सुअर के मीट के थ्रू आता है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे स्वच्छता का तो ये नहीं होगा। और इसमें अगर दौरे पड़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि 3 चीज़ों का इलाज है, दौरों की दवाई का इलाज है एक, दूसरा है कीड़ा मारने की दवाई देनी है, और तीसरा है एक दिमाग का प्रेशर कम में करने के लिए दवाई देनी है जो कीड़ा मारने वाले से 1 दिन पहले देनी है। और आपको डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट हमने बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि हम जो भी दवाई बताई है नियमित रूप से दें, और जो कीड़ा है उसका फॉलोअप स्कैन में देखते हैं, या तो बिल्कुल चला जाता है या वो निशान छोड़ देता है। अगर निशान छोड़ा है दिमाग में तो लंबे तौर तक दौरे पड़ सकते हैं। तो हम लोग अगर दिमाग में जो सीटी के फॉलोअप में अगर नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल कुछ नहीं रह गया, तो हम 6 महीने के बाद भी दवाई टेपर करके दौरे की बंद कर देते हैं, और निशान छोड़ा है तो 2 साल तक दवाई देके फिर टेपर करते हैं। न्यूरोसिस्टिसरकोसिस से बचाव के लिए आवश्यक है कि खुले में शौच न जाएं, शौच के बाद अच्छी तरह साबुन और पानी से हाथ धोएं, फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर ही खाएं। साफ सफाई का ध्यान रखना और सावधानी रखना न्यूरोसिस्टिसरकोसिस से बचाव में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है अल्प विराम का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द ही लौटते हैं। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे, और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते। ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा, बारी बारी चलेंगे वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शक्नोति जीर्णः खलु धर्म माप्तुं कामोपभोगे स्वगतिर्जरायाः अतश्च यूनः कथयन्ति कामान् मध्यस्य वित्तं स्थविराय धर्मम्।
जी हाँ, धर्म, वित्त, यौवन आदि के लिए विशेष दशा और दिशा की होती है आवश्यकता, पर योग अपनाने के लिए, योगासनों को कुशलता से करने के लिए किसी विशेष उम्र या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। तो अब देर भला किस बात की, जान लेते हैं कि क्या है विशेष हमारी योग की प्रस्तुति में आज। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कौन नहीं चाहता कि हमारा शरीर सुडौल हो, हमारे शरीर पर एक्स्ट्रा फैट ना हो, लेकिन कभी कभी बहुत ही लथार्जिक सा जीवन शैली जब हमारा हो जाता है, जब हम शरीर से ज़्यादा काम नहीं लेते और हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर बिगड़ जाती है। इनकम एक्सपेंडिचर समझते हैं कि इनटेक ज़्यादा हो रहा है और वर्कआउट हमारा कम हो जाता है, तो सबसे पहले जहाँ फैट बढ़ता है वो होता है हमारा बेली फैट, यानी हमारा एब्डोमिनल फैट। और फिर जिससे मिलो वो कहते हैं, आचार्य जी कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हमारे एब्स बन जाए। हमारे वंदनीय गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं एब छोड़ दो तो एब्स बन जाएंगे। यानी सही जीवन शैली अपनाइए, सही खान पान कीजिए अपना, सही समय पर सोइए, सही समय पर जगिए और सही योगाभ्यास कीजिए, तो बेली फैट तो छोड़िए, पूरे शरीर में कहीं भी एक्स्ट्रा चर्बी नहीं रहेगी। आज हम सीखते हैं दो बहुत सरल से अभ्यास जो आपके बेली फैट को हटाएंगे और सचमुच आपके एब्स बन जाते हैं, यानी एब्डोमिनल फैट कम हो जाता है। और फिर हम चाहे 4-pack एब्स हो, 6-pack एब्स हो, वो भी हो जाते हैं और पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अब अक्सर क्या होता है कि जो एब्डोमिनल फैट को कम करने वाली प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो बैक पेन वाले नहीं कर सकते, जो सियाटिका वाले नहीं कर सकते, जो कभी कभी एस्थमेटिक पेशेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको आज दो ऐसे अभ्यास बता रहे हैं जो सब कर सकते हैं, जिनको बैक पेन है वो भी कर सकते हैं, सभी लोग इसका अभ्यास करके अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। पहला अभ्यास आपको लेना है अग्निसार क्रिया का अभ्यास, ये षटकर्मों में आता है और क्लिंजिंग प्रैक्टिस है। तो क्लिंजिंग के साथ साथ ये आपका जो पेट की एक्स्ट्रा चर्बी है उसको भी कम करता है। तो अग्निसार क्रिया के लिए हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाते हैं। जो लोग घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं और वज्रासन नहीं लगा सकते वो इन अभ्यासों को खड़े होकर के भी कर सकते हैं, यानी हर कोई इनका अभ्यास कर सकता है। अपनी हथेलियों को घुटनों पर टिकाइए, कोहनियों को सीधा कर दीजिए और थोड़ा सा आगे झुकेंगे जिससे आपका जो वजन है शरीर का वो आपकी कोहनियों पर आ जाएगा और पेट जो है वो आपका ढीला छूट जाएगा। अब जब पेट ढीला छूट गया तो कंप्लीट एक्सहेलेशन, पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए, ऐसे जैसे कोई टायर की हवा निकाल देता है। कैसे? ऐसे आवाज भी आनी चाहिए जब आप सांस छोड़ेंगे नासिका से। जब सांस बाहर छोड़ दें तो सांस को बाहर ही रोक कर रखें और पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना। समझिए कैसे करना है। एक एक्सहेल्ड पोजीशन में जितनी बार पेट को अंदर बाहर कर सकते हैं उतनी बार करना। फिर जब लगे अब मैं और देर उसको नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सांस को बाहर नहीं रोक पा रहा हूँ, तो मूवमेंट को रोक दीजिए, नासिका से श्वास ले लीजिए। ये पहला राउंड है, आप 3-5 राउंड्स इसके कर सकते हैं, 3-5 रिपीटेशन कर सकते हैं। पहले से दूसरे राउंड में जब आप जाएंगे तो जितनी बार आपने पेट को हिलाया है उसका क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा, तो ये इसका प्रूफ है कि आप इसको ठीक कर रहे हैं। दूसरा अभ्यास आपको लेना है उद्यान बंध का अभ्यास। हमारे त्रिबंध बताए गए, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध और फिर महाबंध या त्रिबंध, जिसमें हम तीनों बंध लगाते हैं। आपको सिर्फ उद्यान बंध का अभ्यास करना है। इसी तरह से वज्रासन में आएंगे, वज्रासन में नहीं कर सकते तो खड़े होकर के भी इसको कर सकते हैं। हाथों की स्थिति बिल्कुल अग्निसार क्रिया जैसी रहेगी, पूरा सांस छोड़ देना है और पेट को अंदर खींच लेना है, ऐसे कि आपका पेट कमर तक को छू जाए अंदर से। जब तक सांस को बाहर रोक करके रख सकते हैं तब तक इसे रोकना, फिर पेट को ढीला छोड़ देना, नासिका से सांस लेना। एक बार समझ लीजिए। बस इतना सा अभ्यास, ये एक बार आपने किया इसको भी आप 5 बार तक रिपीट कर सकते हैं। आप नियमित रूप से इन दोनों का अभ्यास कीजिए, आपका बेली फैट रिड्यूस होगा, पूरे शरीर का वजन कम करने के लिए योगिक डाइट अपनाइए, योगिक जीवन शैली अपनाइए, अपने हाउस होल्ड चोर्स अपने आप कीजिए। हम हमेशा कहते हैं टॉक एंड वॉक, तो अगर आप फोन पर भी बात कर रहे हैं तो चलते हुए करिए, लिफ्ट की जगह, एलिवेटर्स की जगह आप सीढ़ियों का प्रयोग कीजिए, घर के काम अपने आप कीजिए, थोड़ा
चेतन अवस्था में रहिए, एक काउच पोटैटो बन के हर वक्त बैठे बैठे रहना मत कीजिए, ये आप नियमित रूप से करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने। और अब क्रम है संस्कृत भाषा के अभ्यास का। इस अभ्यास से पहले हम आपको बता दें कि हम उत्तम वचन सुनना और सुनाना चाहते हैं, उत्तम ज्ञान विज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं और साथ ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए यथासंभव उपाय भी हम अपनाते हैं। तो भाषा के अभ्यास के क्रम में भी बात कर लेते हैं उत्तमता की ही। इसके लिए हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी आज संस्कृत की पाठशाला में वाक्यों के अभ्यास के क्रम में बता रहे हैं उत्तम पुरुष और यहाँ संस्कृत वाक्य प्रयोग के बारे में। मित्राणि नमो नमः। एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्राणि, संस्कृत पाठशाला में हम अब तक वर्तमान कालिक प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के वाक्यों को तीनों वचनों में बनाना सीख चुके हैं। आइए सीखे हुए अंशों का उदाहरण के माध्यम से थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। यदि वाक्य हो वह मतदान करता है तो संस्कृत में कहेंगे सह मतदानम करोति। यदि इसका द्विवचन करना हो अर्थात कहना हो वह दो मतदान करते हैं तो इसे संस्कृत में कहेंगे तौ मतदानम कुरुतः। और यदि इसी वाक्य का बहुवचन रूप बनाना हो तो वाक्य बनेगा ते मतदानम कुर्वन्ति, अर्थात वे सब मतदान करते हैं। यह तो रही बात प्रथम पुरुष की। अब इसी को मध्यम पुरुष में कहना हो तो वाक्य बनेगा तुम मतदानम करोषि, अर्थात तुम मतदान करते हो। इसी का द्विवचन रूप बनाना हो तो कहेंगे युवाम मतदानम कुरुथ, अर्थात तुम दोनों मतदान करते हो। और बहुवचन में हमने सीखा था यूयम मतदानम कुरुथ, तुम सब मतदान करते हो। मित्रों, प्रथम पुरुष व मध्यम पुरुष वाक्यों को सीखने व अभ्यास करने के बाद अब क्रम है उत्तम पुरुष के बारे में जानने का। अंग्रेजी में यह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। स्वयं व्यक्ति जिसके लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है, अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन में मैं ही कर्तृपद हमेशा रहेगा। आसान एवं अच्छी बात यह है कि मध्यम पुरुष के कर्तृपदों की भांति उत्तम पुरुष का कर्ता कभी भी नहीं बदलता। एक वचन में इसके लिए सर्वदा अहम पद का ही प्रयोग होगा और प्रथम पुरुष की क्रिया के अंत में आने वाले ति के स्थान पर आमी का प्रयोग कर देने से यह उत्तम पुरुष की क्रिया बन जाएगी। उदाहरण के लिए पढ़ता है के लिए प्रथम पुरुष में हमने प्रयोग किया था पठति। अब पठति के ति के स्थान पर आमी लगाकर पठामि यह क्रिया बना लेनी है। इसका अर्थ है पढ़ता हूं। कर्तृपद के साथ जोड़ दें तो वाक्य बन जाएगा अहम पठामि, अर्थात मैं पढ़ता हूं। आइए अब अविलंब कर लेते हैं वर्तमान कालिक उत्तम पुरुष की एक वचन क्रिया का अभ्यास। क्रिया है नमति। यह प्रथम पुरुष एक वचन में है तो इसका उत्तम पुरुष एक वचन रूप बनेगा नमामि नमामि। आइए इन क्रियाओं में अहम इस पद को जोड़ते हुए वाक्य बना लेते हैं। आप सभी भी मेरे साथ इन वाक्यों को जोर जोर से बोलिए। अहम नमामि, अहम नमामि, अर्थात मैं नमस्कार करता हूं। अहम वदामि, अहम वदामि, अर्थात मैं बोलता हूं। वाक्य बनेगा अहम पश्यामि, अहम पश्यामि, अर्थात मैं देखता हूं। अहम पृच्छामि, अहम पृच्छामि, अर्थात मैं पूछता हूं। अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, अर्थात मैं जाता हूं। अहम धावामि, अहम धावामि, अर्थात मैं दौड़ता हूं। अहम अटामि, अहम अटामि, अर्थात मैं घूमता हूं। इसी प्रकार यदि कहना हो कि मैं ठहरता हूं तो इसे संस्कृत में कहेंगे अहम तिष्ठामि, अहम तिष्ठामि। मैं खेलता हूं के लिए वाक्य बनेगा अहम क्रीडामि, अहम क्रीडामि।
मित्रों ध्यान रखें, उत्तम पुरुष की क्रिया पठामी, लिखामी, खादामी आदि के साथ कर्तृपद अहम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कुछ और क्रियाओं के साथ नए अभ्यासों को लेकर पुनः होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः। सुप्रभातम की इस विशेष प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नवप्रभात की वेला में सुप्रभातम की नई प्रस्तुतियों को लेकर होंगे हम अवश्य ही उपस्थित। इस उद्घोष के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ चाहूँगा आप सभी की अनुमति। नमोस्तु सर्वेभ्यः। राजनीति